एक दिन वही हरियाणा था जहां बेटियों को इतने अवसर नहीं थे। आज का हरियाणा है जहां बेटियों के नाम से हरियाणा की पहचान होती है। मैंने तो देखा ओलंपिक में बेटियां मेडल लेके आई, सारे बेटे कमजोर पड़ गए, पढ़िया नहीं पढ़े। अब हम खुश हुए, हमने तालियां बजाई, हम सेल्फी खिंचवाने के लिए घूम रहे थे। और मुझे तो इस देश में इतने मजबूत प्रधानमंत्री मैंने देखा, जो टीम हार भी गई उनको उन्होंने फोन किया कि भाई आप घबराना मत। लेकिन आज पता नहीं पिछले कुछ समय में परिस्थिति बदली, आज वो बेटियां यहीं बैठी हैं उनसे कुछ गज की दूरी पे, आज आवाज नहीं जा रही है, आज आवाज नहीं जा रही है। देखो पिछले कुछ समय में बहुत कुछ बदला, इस बात पे गहराई से सोचो आप लोग। ये आज की लड़ाई नहीं, जब भी कोई लड़ने के लिए आए, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, कोई भी हो, चाहे किसी जाति का और धर्म का, अपने अधिकारों के लिए सरकार ने एजेंडा सेट कर दिया था। अब बजरंग के साथ एक अच्छी बात यह है, आप ऐसे फोन करो या ये आपको फोन करे तो ये कहेगा सीधा एकदम छुट्टे कहेगा राम राम। अब इसको कैसे आप एजेंडे में सेट करोगे? आप इसको मुसलमान कहोगे, आप इसको खालिस्तानी कहोगे, आप इसको धर्म विद्रोही कहोगे, आप इसको टेररिस्ट कहोगे, क्या कहोगे? यहां सरकार आके फंस जा रही है, वरना सत्यता ये यहां बैठने नहीं देते। ये तुम दमदार लोग हो भाई, अगर ये मुकदमा किसी गरीब आदमी पे हो गया होता ना, उसके परिवार की खाल खींच के भूख भर देती पुलिस। हमने जिंदगी देखी है, यहां 20 साल हो गए मैं काम करते। अगर न्याय सबके लिए समान होता फिर FIR के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ता। देखो ये भी एक सत्य है, जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष रहेंगे तब तक कुछ भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। बिल्कुल ये बिल्कुल सत्य बात है, जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष रहे तब तक निष्पक्ष न्याय तो छोड़ दो। न्याय का मात्र होना नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। जब आप उस पद से बैठे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा, और जब आप उस पद की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा? मैं तो ये समझ रहा था कि ब्रजभूषण जी अपने आप जो वो इस्तीफा दे देंगे कि भाई पहले निष्पक्ष जांच होने दो। कल से मीडिया ने एक चीज चलाई कि भाई कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पड़ी, वो भी कह रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पड़ी। ओ भैया कमेटी कौन सी है जी? कोई निष्पक्ष कमेटी है? कोई दर्शाव उस कमेटी को लीड कर रहे हैं? सरकार के लोग हैं, सरकार के नेता हैं, सरकार से जुड़े लोग हैं। मेरा तो ऐसा मानना है जिनका रोजगार ही सरकार से चल रहा है वो बेचारे क्या निष्पक्ष हो जाएंगे बताओ? अगर कमेटी बनानी है ना तो फिर तो शिक्षा बच्चे तो हैं उनके नेतृत्व में बनवा दो, पता लग जाएगा तुम्हें सारी चीज का कैसे जांच होती है। देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आज ये है कि देश के जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस हैं उनके वो रीढ़ की हड्डी वाले हैं, और यही सरकार के लिए परेशानी है, यही एकमात्र परेशानी है। देखो मैं तो यहां मीडिया के लोग बैठे हैं, एक हमारी बहन उधर खड़ी है प्रज्ञा, मैं तो ये कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी कि गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाता, आपको उसको सरल बनाना चाहिए। 2-3 लाख रुपए नहीं है लोगों के साथ कि लोग सुप्रीम कोर्ट आ जाए, जबकि वो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर कमेटी बनानी है और ब्रजभूषण सिंह जी को सुनेंगे मुझे तो कमेटी बनवा दीजिए ना चीफ जस्टिस साहब के नेतृत्व में, हम भी मान लें। और हम तो क्या कह रहे हैं, हम तो निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं ना। निष्पक्ष जांच तब होगी जब ब्रजभूषण जी इस्तीफा दे दें। आप मेरी एक बात को गलत साबित कर दो, डिनाई कर दो, अगर यही पोस्टों के FIR किसी और पर हुई होती तो क्या वो आज बाहर घूम रहा होता? क्या बता बता रहा आप सब लोग बता दो। अच्छा देखो बोल दो सर, देखो एक चीज और सुनो, पिछले कुछ समय से ट्रेंड बदला है, आरोपी के पक्ष में पंचायत होती है, आरोपी के पक्ष में डिबेट होती है, और हमारी सम्मानित मीडिया खड़ी है ये उसको डिफाइन करने लग जाते हैं बार बार। देखो भक्ति से काम नहीं चलेगा, भक्ति तो आसाराम जी की भी बहुत लोग करते थे, करते थे नहीं करते हैं बता। देखो उदाहरण बता रहा हूं, एक दिन से उदाहरण बता रहा हूं आपको, जब तक उनको कोर्ट का फैसला नहीं आया जो लोग उनको आराध्य मानते थे उनको पूछते थे, मैं पूछते नहीं पूछते, जब कोर्ट का फैसला तभी तो पता लगा। ताकतवर है तो क्या अपराध नहीं कर सकता है? क्या धर्म का छोड़ा उड़ने तो अपराध नहीं कर सकता? कर सकता है। हरियाणा के लोग तो राम रहीम जी के गवाह हैं, बताओ। आप इस बात को नोट करो, देखो पैरोल मिलती है, सब कुछ मिलती है, आम आदमी को दिला दो पैरोल। ये क्यों है? ये इसलिए है कि सत्ता पक्ष अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर रहा है। देखो मैंने दो उदाहरण इसलिए दिए
कि जब आसाराम जी पे अगर कोर्ट ने तय कर दिया और फिर कोर्ट ने सजा की, तो जब आसाराम जी राम रहीम जी के निर्णय में हमें पता लग सकता है कि कोर्ट सही है, तो ब्रजभूषण जी का फैसला भी कोर्ट में छोड़ दीजिए। आप क्यों डिसाइड करने लगे हैं? उनको गिरफ्तार तो होने दीजिए, सब ताकत कम तो होने दीजिए। जब वो सत्ता में बैठे हैं, ताकत में बैठे, कैसे न्याय हो जाएगा? ऐसे न्याय संभव नहीं। देखो, हमें गौरव करना चाहिए कि किस माहौल में हमारी बहनें और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, आज वो यहां हैं। परसों रात पता लगा था बिजली काट दी, पानी काट दिया। चलो चिंता मत कर। देखो मेरे साथ थोड़ा सा ना, मैं नया काम अपना कर रहा हूं। बजरंग साक्षी बैठी है हमारी छोटी बहन, अगर ये काम ना होता तो मेरा गद्दा यहीं गिरवा देता मैं। ठीक है, मैं एक ऐसा आदमी ना, मैं अपनी बहनों के आंसू नहीं देख सकता। लखनऊ में रोई थी हमारी बहनें, मैं चार दिन तक वहीं उनके साथ ही बैठा रहा, और सरकार को हमने झुका दिया। सरकार को फैसला लेना पड़ा कि नहीं, ये गलत। तुम्हारे आंसू देखते ना तो कलेजा छन्नी हो जाता। मेरी बहनों, आंसू मत बहाना। तुम्हारे एक एक आंसू पे लोगों को आखिरी कतरा बहा देंगे हम लोग। क्या बात करती है, आंसू मत बहाओ। देखो, न्याय तब होगा जब वो फेडरेशन के अध्यक्ष पद को, अगर नैतिकता होती छोड़ देते, नैतिकता नहीं। वो कोशिश करें कि बच जाए, बच जाए। अगर अपराध करके बचना चाहोगे तो फिर कैसे चलेगा, कैसे संभव हो पाए? इसलिए देखो, प्रधानमंत्री जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि सवाल ये कि जब आप सबको, सबके आंसू पूछ रहे थे, जो हारा जो जीता, जिन्होंने देश को गौरव किया, तो आपकी तरफ से एक आदमी तो आता उनके आंसू पूछने के लिए? और अगर देखो, मैं ये भी कह रहा हूं स्पष्ट, यहां हमारे सभी भाई मौजूद, जाति धर्म पार्टी सब चीजों से ऊपर उठ के, अगर किसी सरकार के अलावा किसी दूसरी पार्टी के लोगों से अपराधी जुड़ा होता तो सरकार के लोग हिलाकर देते सब कुछ। लेकिन बुरा यह है कि सरकार से जुड़े हुए लोगों पर आरोप है। तो आप ये देखो, उनके यहां भी महिला नेता, एक महिला नेता अगर ये कह दे, कहते ना जमीन जिंदा हो तो आदमी इंसाफ की बात कर ले, यही कह दे कि भाई निष्पक्ष जांच हो जाए, बताओ कि दिख नहीं रहा इतनी बड़ी बड़ी नेताओं की पार्टियों में नहीं दिख रहा है, ये तो कह दो निष्पक्ष जांच करा दो, इसी का दबाव हो जाए। अगर आप सब लोग देशवासी मेरी बात पर गौर करें, अगर अपराधी हमारा है तो हम चुप रहेंगे, अगर अपराधी दूसरी पार्टी का तो हम बोलेंगे। इसको जिंदा रहना कहते, जो जिंदा रहना नहीं होता। ये तो मुंह दिखाई की बात हुई, मेरा तो ये मानना है। मैं तो अभी अपील करूंगा अपनी महिला नेताओं से, जो तमाम पार्टियों में, आओ ना बैठो इनके बराबर में, आप किसी भी पार्टी में आओ ना, इनके लिए न्याय की मांग करो। अगर आप जिंदा, फिर आपके उन कुर्सों में बैठने का कोई फायदा नहीं है जिन कुर्सों में बैठ के आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, महिलाओं को न्याय देने की बात कर रही है, महिला सुरक्षा की बात कर रही है। कौन सी सुरक्षा? जिस देश में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, जो बच्चा सुरक्षित नहीं है, जो देश को गौरवान्वित करती है, तो कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? इसलिए मेरी मीडिया के माध्यम से अपील है प्राइम मिनिस्टर जी से, वो हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इनके भी प्राइम मिनिस्टर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है या नहीं है बताओ, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर हैं या नहीं? इनके माध्यम से हमारी दो तीन अपील ये हैं। पहला, वो नैतिकता के आधार पर ब्रजभूषण छोड़ दे और जांच होने दे, पहला। दूसरा, कोई भी अगर जांच कमेटी बनानी है न्याय देने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने, सरकार के लोगों से कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सरकार के लोग तो बंधक चल रहे हैं। तीसरा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पहले उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी ताकत कम हो, तब जाके मुझे उम्मीद है कि न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। और बड़े पैमाने पर चौथी बात, ये झूठ फैलाना बंद करो कि ये जाट समाज के बच्चे हैं,